की मदद से हम किसी भी तरह के डेटा एंट्री वर्क, चार्ट, ग्राफिक्स, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये काम वर्ड के मुकाबले, वर्ड में तो केवल हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, रिज्यूम बायोडाटा तैयार करते हैं, लेकिन एक्सेल पे हम बिल, मार्कशीट आदि काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सेल का आज इंट्रोडक्शन ही देखना है। सबसे पहले आपको एक्सेल विंडो के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे हम बोलते हैं क्या, मेन्यू बार। ये मेन्यूज़ बार होते हैं जिसमें सारी कमांड्स दी हुई हैं जो अपन यूज़ करते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, डेटा मेन्यू, विंडोज मेन्यू, हेल्प मेन्यू। इसमें से इंपॉर्टेंट मेन्यू की बात करें तो फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, इंसर्ट, ये मेन मेन्यूज़ हैं, और बाकी कॉमन मेन्यूज़ हैं जो चलते आ रहे हैं। यानी यहाँ पे वही कमांड्स मिलेंगे जो अपन वर्ड में देखते आ रहे हैं। फिर अपन इसमें एक बार और रिवाइज करेंगे। ये एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल विंडो बोलते हैं जैसे अपन। इसमें शीट वन है अपने पास, शीट टू है, शीट थ्री है। अपनी सुविधा अनुसार हम इनको और आगे बढ़ा भी सकते हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। अब आगे इसमें हम बोलेंगे इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। इसमें ये कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम का एक एड्रेस होता है। ये है सी कॉलम, ये है डी कॉलम, ये है ई कॉलम, ये है एफ कॉलम। ऐसे हर एक कॉलम का एक एड्रेस है। कितने कॉलम हैं, आप यदि इस तरफ आएंगे तो आपको पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26 कॉलम तो ये हो जाएंगे, प्लस फिर ए ए ए पी ए सी, ऐसे आपको कई सारे कॉलम्स मिलेंगे। लगभग इसमें नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो 256 कॉलम्स होते हैं, 256 जी 256 इसमें कॉलम्स होते हैं। और रो की बात करें तो रो ऐसे में होती हैं, अपने पास अभी एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, इस तरह से अलग अलग रो है। रो की बात करें, रो कितनी होती है, तो रो भी कई सारी होती हैं। कितनी होती हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है, इसकी भी एक लिमिटेड है। कितना है, 65536, यानी कि 65536 आपकी रो होती हैं और 256 आपके कॉलम होते हैं। यानी कि हम 65536 एंट्रियाँ इसमें कर सकते हैं एक्सेल की एक शीट पे। और सेम यही रिपोर्ट शीट टू पर होती है और यही शीट थ्री पे। अभी हम वर्जन 2003 की बात कर रहे हैं, अगर 2007 की बात करेंगे तो इससे दुगना होता है उसमें। यानी इसे 65536 उसमें कुछ 1-1.5 लाख के आसपास होते हैं रोज़, और इसमें कॉलम्स भी लगभग उधर 1000 या 1200 के आसपास होते हैं। राउंड फिगर अगर अपन लेंगे उसमें तो इतना होगा, बाकी फिक्स लेन 2003 में 256 और 65536 रो होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री वर्क, जैसे अपन विल, मार्कशीट का काम कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, ये मेन्यू बार होता है, इसके नीचे इससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार में जो कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो स्टैंडर्ड टूल बार पे आ जाती है। इसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार, और बाकी ये फार्मूला बार है, और ये अपनी एक्सेल शीट है। नीचे ड्राइंग टूल बार होता है। इस तरह से एक्सेल विंडो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो हमने इतना जाना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इन मेन्यूज के बारे में। Thank you.